जोधपुर की जेल से सलमान खान रिहा होकर मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। काले हिरण मामले में गुरुवार को 5 साल की सजा पाने के बाद भाई जान को 2 रातें कैद में गुजारनी पड़ी थी। इस दौरान सलमान को जितना नुकसान हुआ उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सलमान खान की सालाना कमाई 240 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से एक दिन की कमाई 65 लाख होती है, ऊपर से वकीलों की मोटी फीस अलग। इस लिहाज से बात करें तो सलमान 2 दिनों से जेल में थे। सलमान खान का कुल नुकसान बनता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इस साल सलमान खान की 4 फिल्में लाइन पर हैं, रेस 3, दबंग 3, किक 2 और भारत, जिसमें से सिर्फ रेस 3 की ही शूटिंग पूरी हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 150 करोड़ का है। और अब जब सलमान जेल से रिहा हो गए हैं तो सबसे पहले उन्हें रेस 3 के पोस्ट प्रोडक्शन को खत्म करना होगा। बता दें कि सलमान की वजह से इंडस्ट्री के 500 करोड़ दांव पर लग गए थे। जेल से रिहा होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली होगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।